लोग कृतघ्न भी होते हैं, और वो कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है जहाँ मनोविकार तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं रिश्तेदारों के साथ में या बिना रिश्तेदार भर्ती करके। एक अभी मेरे पास में एक पेशेंट है अराउंड 35 ईयर्स का लड़का, और काफ़ी डिस्टर्ब, निराश, फिर नींद नहीं आना, भूख बराबर नहीं लगना, काम तो कर रहा है मगर काम में मन नहीं है, और कोई ऐसा मेडिकल शॉप चला रहा है, वो शॉप चला गया तो उसको ऐसे भी विचार आ रहे कि अभी कुछ गोलियां खा लूँ और ठीक है, मर गए तो अच्छा है, मतलब यहाँ तक भी उसके विचार है। घर में चिड़चिड़, पत्नी के साथ में चिड़चिड़, बच्चों के साथ में चिड़चिड़, मतलब भाई ये कब से हो रहा है आपको? तो बोले ये 3 महीने से हो रहा है। और 3 महीने से, मतलब 3 महीने से हो रहा है ये आपको याद है, इसका मतलब 3 महीने पहले कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है सर? बोले मैं पिछले 2 साल से एक मेरे दोस्त को खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको काफ़ी सपोर्ट किया, उसको आर्थिक मदद की, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको किया, उसका बिजनेस खड़ा करने के लिए मदद किया, फिर उसकी शादी के लिए उसको मदद किया, उसके पिताजी बीमार थे उसमें उसको मदद किया, मतलब और बचपन से मेरा दोस्त था तो उसको मदद किया। अभी थोड़ा अपने पैर पे अच्छा खड़ा होने लगा, और अब जब मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे, अब मैंने एक दिन उसको पैसे वापस मांग लिए कि भाई मेरे पैसे कब देंगे वापस, अभी तो ठीक हो गया सब तेरा, तब से उसने अपने आप को दूर करना चालू कर दिया, बात नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना। और उसको ये लगा कि देखो कि मैंने एक व्यक्ति के लिए, अपने दोस्त के लिए जो बचपन का दोस्त है, उसके लिए अपने इतनी सारी मेहनत उठाई, इतना सारा स्टैंड लिया, और आज वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पैसे वापस करने का नाम तो छोड़ ही दो। उसने उसको एक बार मिलकर बता दिया कि ठीक है भैया, तूने पैसे वापस नहीं किए तो चलेगा, मगर मुझे मेरा दोस्त चाहिए, दोस्त तो कम से कम रह सकता है। मगर उसको इतना गिल्ट फीलिंग आ रहा था कि उसको वो गिल्टी फीलिंग में वो खुद फ़ोन भी नहीं उठा रहा, उसको पैसे वापस देने नहीं है। और जब ये ऐसा दिखा कि भाई ये तो पैसे भी नहीं मिल रहे, दोस्त भी गया, और उसको बहुत बड़ा हादसा बैठ गया जो मेरे पास में व्यक्ति आया था उसको, और उसमें वो डिप्रेशन में चले गए। तो जब मैं उसको बताया कि भाई ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अभी क्या कर सकते हैं, उसको मैंने काउंसिलिंग सेशन के लिए बुलाया बाद में, उसको एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जिससे उसको नींद आना चालू हो गई, नर्वसनेस जो था वो ठीक हो गया, और उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन उसको दिया। उसको मैंने बोला कि जो हो गया वो हो गया, और लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं, लोग धन्यवाद भी देते नहीं हैं, लोग एक्नॉलेज नहीं करते आपने उनके लिए कुछ किया होगा तो, और लोग मतलब जो आपने उसके ऊपर एहसास किया वो तो उसका तो मतलब उनको कोई एहसास नहीं है, वापस तो करेगी नहीं, उसका एहसास भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं बोलेगी। और ये ऐसे होता है, लोग ऐसे ही है। यीशु ख्रिस्त एक बार एक गांव के तरफ गए, तो एक कहानी बताता हूँ मैं जो मैंने पढ़ी है। तो वो गांव में काफ़ी सारे महारोगी थे, 12 महारोगी वो गांव में थे। जब जीसस क्राइस्ट वो गांव में गए तो जब महारोगी बोले कि हमको इतनी पीड़ा हो रही है, हम महारोग हैं, हमको अच्छा करो, तो जीसस क्राइस्ट ने उनके पूरे बदन में से हाथ घुमा दिया, और हाथ घुमाने के बाद में वो 12 के 12 अच्छे हो गए, और यीशु ख्रिस्त अपना रास्ता काटने लगे और दूसरे गांव की तरफ जाने लगे। इधर जो 12 महारोगी थे वो जब अच्छे हो गए तो गांव में बहुत हर्ष हो गया, सबको जल्लोश करने लगे लोग। उन रात को बड़ी पार्टी रखा कि भाई आज गाने गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे कि भाई 12 के 12 लोग अच्छे हो गए, वो 12 लोग उसमें शामिल, और बहुत खुशियाँ मना रहे। एक व्यक्ति को उसमें याद आया कि भाई हमको जीसस क्राइस्ट ने अच्छा किया हुआ है, उसको हमने धन्यवाद भी नहीं बोला, और वो फिर उनको ढूंढने के लिए दौड़ते दौड़ते अपने गांव से दूर भागते भागते उनके पीछे गया, उनको चिल्ला चिल्ला के पुकारा और उनको रुकाया जीसस को, और बोले क्या हो गया? बोले मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। बोले काय का धन्यवाद? बोले आपने हमको अच्छा किया, हमारा महारोग जो था वो दूर किया, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जीसस क्राइस्ट ने बोला तो फिर क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ से हम यदि किसी को मदद करते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बिना अपेक्षा, बिना एक्सपेक्टेशन, तो फिर कितना अच्छा होगा।
हमारा हर कदम, हमारी हर चाल, हमारी हर एक्शन दिन भर जो होती है वो इसलिए होती है कि मैं यदि कुछ किसके लिए करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। और अपेक्षा जब रहती है तो अपेक्षा भंग भी हो जाता है, अपसेट भी हो जाते हैं लोग। और अपेक्षा भंग होना नेचुरल है। यदि मैंने कुछ अपेक्षाएं रखी नहीं कि मैंने कुछ भी किया ही नहीं है, मैंने जो किया वो किया, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। एक हमारे माजी आमदार एमएलए जो है वो मेरे खास दोस्त है, परिचित है, वो पिछले इलेक्शन में हार गए विधानसभा के। मैंने उनको पूछा, बोले मैंने मेरे कार्यकाल में, उनका जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें मैंने इतने लोगों को मदद किया, इतने लोगों के पर्सनल काम किए, व्यक्तिगत लोगों के काम किए, बोले वो लोगों ने यदि मेरे को वोट करते थे ना, बोले तो मैं अभी चुन के आता था बिना पार्टी का, इतना लोगों के लिए मैंने क्या काम, बोले मगर लोगों ने बोले मुझे वोट नहीं किया। मतलब जो आमदार ने उनको मतलब मदद की है, उनका मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया होगा, उनके प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्ट किया होगा, जो भी कुछ 5 साल वो वहाँ घूमता रहा, अपने मतदार संघ में काम करते रहा, तो आमदार साहब ने बोला कि भाई वो यदि लोग मेरे को वोट करते मैं जीत के आता था। तो वो भी डिप्रेस थे, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे होता है, ये दुनिया ऐसी है, दुनिया थैंक यू भी नहीं बोलती है, कृतज्ञ होती रहती है, इसमें हमको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम बिना एक्सपेक्टेशन से लोगों की मदद करते हैं, बिना अपेक्षा से लोगों की मदद करते हैं, तो वो जो मदद है ना वो सच्ची मदद होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ हम अपेक्षा रख के मदद करेंगे वहाँ अपेक्षा भंग होगा और हमको नाराजगी आएंगी, हमको डिप्रेशन ही आएगा। तो ये आप जरूर करो, लोगों की सेवा करो, लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करो, लोगों के लिए खड़े रहो, लोगों के जीवन में उनको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा कुछ उनके जीवन में होने के लिए कुछ ना कुछ करो, मगर वहाँ खड़े रह के करो कि मुझे वहाँ से कुछ भी वापस मिलने वाला है नहीं, और उसमें आपको जो आनंद मिलेगा वो आनंद जो है वो अवर्णनीय होगा, वो आनंद का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एकदम चरम सीमा का आनंद होगा, कि उसमें कोई सीमाएं रहेंगी नहीं। क्योंकि आप तो बस हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, देने के लिए कर रहे हैं, कुछ लेने के लिए कर नहीं रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा मकसद है कि सबसे हर एक को मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और व्यसन मुक्त भारत। ये आप वीडियो शेयर करते हैं ना तो लोगों के मेंटल हेल्थ जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे, और हमारा जो मिशन है उसमें आपके भी हाथ लग जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।